पुरानिया पुस्तकों में जहाँ पर गैया गोप गोपी यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए स्थान का नाम है गोपुला। पहले लेकिन वहाँ पर किसी दैत्य का पुतला बनने का वजह से फिर उन्होंने उसको छोड़ देते हैं और यहीं पर बैठे यहीं पर रहे यहीं पर। जैसे हम भगवान को बोल करके ये 84 लख्योनि में हम भटक रहे हैं, जब इसको कोई एक बार परिक्रमा कर ले 84 लख्योनि भटकना खत्म हो जाए। और ये जो ब्रज मंडल है 84 हम भी भगवान को बोल करके ये 84 लख्योनि भटक रहे हैं। अगर एक बार अगर कोई ब्रज मंडल 84 करोड़ की परिक्रमा लगाए उसका जन्म मृत्यु का चक्कर यही पर नंद जसोदा और यही पर रहते थे। कहते श्री परिजन बाबा थे, परिजन बाबा हो चुकी नंद बाबा पर ये बाबा परिजन बाबा नंद बाबा का जो पिताजी का नाम था परिजन। इनके 5 संतान थे उपानंद सुनंद अभिनंद। 5 बेटे में 4 बेटों का तो संतान है लेकिन केवल उन्होंने बहुत कुछ तपस्या किया, भजन किया, दान पुण्य किया। वहाँ पर उन्होंने आशीष्वर महादेव की पूजा की, आशीष्वर महादेव की पूजा की, हताश वाणी हुई, ऐसे तुम्हारा एक नाती बनने वाला जो विश्व ब्रह्मांड में जस को खिलाएगा। और यही पर जब मैया जसोदा नंद बाबा यही पर रहते थे, इतने में मैया जसोदा संतान नहीं, एक दिन एक रात को मैया जसोदा और एक रात को बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। बोले श्याम चंचल चाहो बिनक नयन बाल स्तवा ये स्वप्न देखा। और ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखना करके वो स्वप्न सही हो जाता है। मैंने सुंदर एक स्वप्न देखा है। बोले क्या देखो? मैंने भी देखा। बोले बताओ तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा तेरी गोद में श्याम रंग का एक सुंदर बालक बोल रहा है और उसी बात पान करते समय दोनों हाथ से मैंने भी स्वप्न देखा एक श्याम रंग का बालक पीछे अब कपड़ा कैसे मैया मेरे को दूध पिला दे मैया मेरे को स्तर पिला दे। कुछ माताओं में कुछ चिन्ह होता है बेटा होगा बेटी होगा। इतने में किसी बड़ी बड़ी गोपी ने देखा मैया जसोदा का जो होठ है ना वो पीली पीली रहना। बोले मैया लगता है तेरे गोदी में लाला होने वाले है, गोटे कृष्ण गोटे जग माया थी इसलिए अभी लग रहा है कि आ रहा को ही संतान का जन्म होने वाले भादो की महीना अष्टमी का रात रोहिणी नक्षत्र बुधवार लगता है आज ही घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा। जो सुनंदा थी नंद बाबा की बहन वही सुनंदा घर के सारे काम काज जो कर रही थी इतने में सबको उन्होंने सुला दिया। इसको पता ही पड़ा कब श्री वसुदेव महाराज आए और मैया जसोदा दो संतान थे पहले कृष्ण को बाद में उन्होंने योग माया को उन्होंने जन्म दिया। एक साथ उन्होंने
then Yashoda mother has given birth to two kids, one Krishna and then Jogamaya. When Vasudev brought the Krishna from Mathura, Mathura Krishna merged with Gokul Krishna. It's marched in the Gokul Krishna. So modern sons opened the door and she found one very beautiful son in the lap of the Shadha. Sunanda thought that okay, I should tell this news first to Vrindavan and I will get a very beautiful necklace. He was doing mala but his mind was out. He was thinking when I will get a son. Nanda Maharaj. बोले पहले मेरे को मिलेगा क्या बता बोले लो वो जमुना किनारे पे जितनी जमीन है ना तेरे नाम पर लिख दूंगा बोले बाबा बात इतनी बड़ी है वो जमुना किनारे का जगह भी उसके लिए कुछ भी नहीं और क्या मिलेगा बोले नवला के हार दे दूंगा बोले बाबा बात इतनी बड़ी उसको सामने लिखी है बोले और क्या मिलेगा बोले ले तेजरी का सारा चाबी काटी ले ले जो लेना ले ले लेकिन बताओ तो घर में कहां गए हो बोले बाबा तेरे घर में लाला गयो है नंद हुआ तो बड़ी प्रसन्न हुई उन्होंने आए ब्राह्मण संतों को बुलाया स्वस्ति वाचन पढ़ाया आशीर्वाद दिलाया सबको आशीर्वाद दे करके पूरा सारे ब्रज में उन्होंने ढिंडरा भिजवा दिया नंद के घरे लाला भयो सबके सब आओ हाजी यार नंद महोत्सव बन रहे हैं इसलिए बड़ी यही पर ही वो जितने कथा है ना सब यही पर सारी कथा है बुझ बात चंदी तेरा कृष्ण जितने जन्म हेले हाँ कृष्ण जितने जन्म हेले नंद बाबा कितने कठोर तपस्या करते थे घरे बोले पूरा फेंक बहुत तपस्या बहुत यज्ञ बहुत कुछ कर ले क्यों तांकर पुओ हेलानी जितने तांकर एक ही कृष्ण जितने जन्म हेले नंद बाबा तो इतने प्रसन्न हेले कहले साधु ब्राह्मण को कृपा रे आज पुओं कर आज मो मुह देखी जी पर प्रथमे साधु ब्राह्मण मान को डकाओ ताको जरा स्वस्ति वाचन कराओ हैं और एक ही समस्त ब्रजवासी माने खीर लवणी मिश्र नहीं की आसले और महामनंद महामनंद बोले सर एक ही समस्त मिश्र की ना सुंदर सुंदर नहीं अभी प्रभु जी हमें सब पता है सब कुछ है हमें सारी बात पता हम आकर
पिछले बल्ला बिछा दो, सब लोग देंगे, आप ले लेना, तो सर कहीं देने का जरूरत है, आप बैठे हो आप ले लें, जो जो देगा आप ले लें, आप दोनों आ जाओ इधर आके, जो लेगा आप ले लें, आप ही ना ले लो, देखो सब लोग कुछ टाइम चाहिए, पंडा को सेवा करनी चाहिए, आप लोग यहाँ भगवान के दर्शन के लिए दर्शन करेंगे, मंदिर का मैनेजमेंट, बहुत सेवा, ब्रजवासी ब्राह्मण सेवा, जिसका जैसा मन है।